को लिए चलते हैं, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इससे पहले इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब पॉलिसी के मामले में ही जेल में है, आज उनकी बेल पर भी सुनवाई हो रही थी और कोर्ट ने अब उसका अगले हफ्ते का फैसला रखा है। मगर इससे पहले भी 1000 बार दिल्ली सरकार बहुत ही बड़े बड़े वकीलों को दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से 60 करोड़ रुपए की अभी तक वकील की फीस देकर, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील जो एक पेशी के 1 करोड़ रुपए लेते हैं, ऐसे वकीलों को खड़ा कर 1000 बार उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई और हर बार उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। अगर इन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया तो कोर्ट इनको बेल क्यों नहीं देती है, ये मेरा सवाल है। ये जो आम आदमी पार्टी आज पूरा प्रोटेस्ट कर रही है, मैं आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है अरविंद केजरीवाल, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपको न्याय हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर में विश्वास है या नहीं है, क्या हमारे देश के कानून पर आपको विश्वास है या नहीं है? अगर आपको विश्वास है तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों? अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया जो आप बार बार कहते हैं, तो फिर आपको न्यायपालिका के ऊपर में विश्वास होना चाहिए कि जब आपका मैटर कोर्ट जाएगा, संजय सिंह का मैटर कोर्ट जाएगा, तो उसको वहां से बेल मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, जब कोर्ट आपके फेवर में फैसला करे तो कोर्ट अच्छी है, जब आप इलेक्शन जीत जाए तो ईवीएम अच्छी है, मगर आपके खिलाफ में फैसला हो तो फिर आपको किसी के ऊपर में भी विश्वास नहीं होता है। ये लोग बार बार कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं उसके हम उनसे डर गए, और ये अपोजिशन पार्टी जो इंडिया अलायंस बना है उसके ऊपर में अटैक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना मैं पैसे खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी के लोग, किसी भी पार्टी के लोग अगर कोई करप्शन करते तो उनको दुनिया की कोई भी ताकत जेल में जाने से नहीं रोक सकती है। और अगर आपने कोई करप्शन नहीं किया तो आपको फिर कोई भी जेल में नहीं डालेगा। क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और आप एक अपोजिशन पार्टी का हिस्सा हैं तो आपका जो विक्टिम कार्ड है वो नहीं चलेगा। अगर आपके सत्येंद्र जैन ने कोई करप्शन किया है जो पिछले 1.5 साल से जेल में है और जिसको जमानत नहीं मिल रही है, तो उनको कोई नहीं बचा सकता है। अगर मनीष सिसोदिया जेल में है तो उनको कोई नहीं बचा सकता है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर, वो जो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल और वो मेरी लोकसभा में है, वहां पर जा रहे हैं। अब हमें लगता है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी तिहाड़ जेल में खुलेगा, क्योंकि ये लास्ट, ये जो संजय सिंह है ये कोई लास्ट नहीं, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो ये पूरी शराब की पॉलिसी में इन्वॉल्व थे, और ईडी ने जो अपनी जांच करी है उसके पास में काफी एविडेंस है, और जो गवर्नमेंट अप्रूवर बने हैं दिनेश अरोड़ा, उन्होंने काफी बातों की जानकारी दी है। जब संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा के सामने बिठाया जाएगा और वहां पर उनसे सवाल पूछा जाएगा, तो संजय सिंह केवल इतना नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और हम अपोजिशन पार्टी में हैं इसलिए हम पर अटैक हो रहा है, उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर कोर्ट में उनका वकील काउंटर एविडेंस नहीं देता है तो उनको बेल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा कहना है कि विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। अगर आपने कोई जुर्म किया है, और मेरा अरविंद केजरीवाल को एक जो है फ्रेंडली एडवाइस है कि आप जो भी आपने किया है पाप, अगर आप उसको सामने स्वीकार कर ले
तो मुझे लगता है आपकी भी सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी। धन्यवाद परवेश जी। मित्रों, एपी का मतलब अब आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि और अधिक पाप बन चुका है, और जब भी ये भ्रष्टाचार का पाप करते हैं तब इनका एक ही नारा होता है, इनका नारा एक ही होता है कि करेंगे हम मिलकर भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना जनसिद्ध अधिकार, कोई एजेंसी या कोर्ट हमें पकड़े तो मातम मनाते हुए चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे बड़ा विक्टिमहुड कार्ड। और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है और अधिक पाप एएपी का। आज सवाल ये बनता है कि जो लोग अन्ना हजारे के शिष्य बनकर राजनीति में आए थे उनका ऐसा सियासी धर्मांतरण हुआ है और होना भी है, आजकल तो लालू प्रसाद यादव जी के शागिर्द बने घूमते हैं, तो ऐसा सियासी धर्मांतरण का कोई किस्सा आपने कभी भी देखा नहीं होगा। एक समय था कि बिना कोई सबूत बिना कोई कोर्ट के आदेश ये 14-14, 15-15 लोगों की लिस्ट लेकर घूमते थे, लालू जी करप्ट है, सोनिया जी करप्ट है, सोनिया जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, राहुल गांधी करप्ट है, फलाना करप्ट है, ढिमकाना करप्ट है, मुलायम सिंह यादव जी करप्ट है, ऐसी फहरिस्त निकाल कर घूमने वाले लोग आज ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करते हैं, और जब एक के बाद एक कोर्ट के द्वारा अलग अलग तरीके से उनको कोई भी राहत नहीं मिलती है तब भी ये विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। आज सुबह से ही इनका एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है, जब भी कोई कोर्ट की कार्रवाई कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कार्रवाई होती है आप एक पैटर्न नोट करना, सुबह से एक टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है और शाम तक वही टेप रिकॉर्डर चलता है, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, बस वही टेप रिकॉर्डर चलता है। हमारे साथ तो देखिए वेंडेटा हो रहा है, हमारे साथ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, अभी तक तो एक झुंझुना भी नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता और कुछ 15 सवाल हमने जो लगातार पूछने का काम किया है वो 15 सवाल हम फिर से अरविंद केजरीवाल और एएपी को पूछना चाहते हैं। यदि आपका कहना यह है कि आपके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है, आपके साथ केवल और केवल विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है, झुंझुना तक नहीं मिला है, मार्च 2023 से मनीष सिसोदिया जेल में है, मार्च 2023 और उसके बाद कई बार अनेकों कोर्ट में जाने के बाद भी मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है, उल्टा सीबीआई की कोर्ट ने उनके विषय में कहा है और ये नोटेड है, ये पब्लिक डोमेन में है, एक फाइंडिंग है कि मनीष सिसोदिया प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के, ये फाइंडिंग है और मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ये 2023 के कोर्ट का ऑर्डर है, ये कहते हैं कुछ मिला नहीं, द पेमेंट ऑफ एडवांस किकबैक्स ऑफ अराउंड 90-100 करोड़ रुपीज वॉज मेंट फॉर हिम, हिम मतलब मनीष सिसोदिया एंड अदर कलीग्स इन द GNCTD एंड 20-30 करोड़ ऑफ द अबव हैव बीन राउटेड थ्रू द को अक्यूज विजय नायर, अभिषेक बोनपल्ली एंड अप्रूवर दिनेश अरोरा एंड इन टर्न सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्साइज पॉलिसी वर परमिटेड टू बी ट्वीक, मतलब कि पैसे का लेन देन हुआ है, ये कोर्ट ने फाइंडिंग दी है और उसके बाद जिस प्रकार से आपने उस पॉलिसी में बदलाव किया ये कोर्ट ने एस्टेब्लिश फाइंडिंग दी है, इसीलिए महीनों हो गए हैं ना विजय नायर को राहत मिली है जो मनीष सिसोदिया से पहले जेल गए हैं और ना मनीष सिसोदिया को राहत मिली। अभी संजय सिंह के मामले पर फैसला सुरक्षित है, उसमें भी बताया जा रहा था संजय सिंह के घर से कुछ नहीं मिला, झुंझुना भी नहीं मिला, अभी ईडी ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा, निश्चित रूप से उनकी रिमांड नोट भी कोर्ट में रखी गई होगी, उसमें सारी जानकारियां भी होगी। और अभी जब परवेश जी ने आपको बताया है कि जो अभी तक की जानकारी सामने आई है कि 3 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, उसमें से 1 करोड़ रुपए किसने दिए, 1 करोड़ रुपए इंडो स्पिरिट्स ने दिया, और ये इंडो स्पिरिट्स वही कंपनी है जिसको इस नई पॉलिसी में उसकी जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी उसको ठेका नहीं मिलना था, उसके खिलाफ एक शोकॉज नोटिस भी जारी होता है 2021 में, परंतु जैसे ही ये पैसा आता है वैसे ही ये कार्रवाई बंद हो जाती है। यहां पर तो सीधा सीधा क्विड प्रो क्वो दिख रहा है,
ये क्विड प्रो को एस्टैब्लिश हो चुका है, परंतु आज भी वही टेप रिकॉर्डर लगाकर वही विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको याद नहीं है कि इसी प्रकार का विक्टिमहुड कार्ड जितेंद्र तोमर के लिए खेला गया था? यही अरविंद केजरीवाल बड़े इनोसेंटली आकर खड़े हो गए थे और कहने लगे, ये जितेंद्र तोमर की तो मैंने डिग्री चेक कर ली है जी, ये सारा मीडिया का जो एक पूरा तंत्र है उनके पीछे लगा हुआ है जी, अगर ये भ्रष्ट है तो ये इन्होंने गलती की है तो इनसे मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। इसके बाद क्या हुआ जितेंद्र तोमर का? यही गारंटी कार्ड उन्होंने दिया था ताहिर हुसैन के लिए, और संजय सिंह ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ताहिर हुसैन इनोसेंट है जी, बेचारा मुसलमान है इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये भाजपा के लोग इसी प्रकार से करते हैं। ताहिर हुसैन को कोर्ट ने आज तक राहत ही नहीं दी है, बल्कि यह भी कहा है कि अंकित